उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के सिरपुरा थाना इलाके के गांव नगला धीमर और नगला भिकारी के जंगल के इलाके में शराब माफिया के द्वारा हुए जानलेवा हमले की वारदात की जानकारी होने पर पुलिस अफसर सकते में आ गए। वारदात के शिकार हुए पुलिसकर्मियों के लहूलुहान हालात और अनगिनत वार हमलावरों की क्रूरता की गवाही दे रहे थे। घटना में सिपाही की मौत हो गई है, वहीं दारोगा ही हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों ही पुलिसकर्मियों के हाल इतने खराब थे कि कोई भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। उनके अंडरगारमेंट पूरी तरह से खून से लथपथ थे। सबसे पहले पुलिस कॉम्बिंग के दौरान दरोगा अशोक कुमार लहूलुहान अवस्था में पड़े मिले तो पुलिसकर्मी उन्हें कंधों के सहारे जंगल से बाहर की ओर लेकर आए और एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। दरोगा के मिलने के करीब एक घंटे बाद लहूलुहान अवस्था में सिपाही मिला, जिसे चारपाई पर डालकर पुलिसकर्मी जंगल के बाहर सड़क पर लेकर पहुंचे और एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। हालांकि सिपाही देवेंद्र की मौत हो गई। हमलावरों की क्रूरता को लेकर हर कोई उन्हें कोसता नजर आ रहा था। सिपाही और दरोगा के हाथ पैरों में गंभीर चोटें थीं। लोगों का अनुमान था कि लाठी डंडों के अलावा भाले, स्टील की रॉड व अन्य हथियारों से जमकर मारा गया है। हमलावरों की क्रूरता को लेकर हर कोई उन्हें कोस रहा था। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के अलावा एसपी, एएसपी, सीओ व कई थानों के प्रभारी मौजूद थे। हर कोई हमले की इस घटना से बेहद आहत नजर आ रहा था। पुलिस पार्टी पर हमले के मामले की जानकारी जिले के अफसरों ने एडीजी और आईजी को सहित पुलिस मुख्यालय को भी दी। अफसर बराबर इस घटनाक्रम की जानकारी स्थानीय अधिकारियों से लेते रहे। देर रात्रि उच्च अधिकारियों के पहुंचने की सूचना थी। घटनास्थल से पुलिस टीमों से दरोगा अशोक कुमार की बाइक मिली है। इसके अलावा एक अन्य अज्ञात की बाइक भी मिली है। दरोगा की बाइक गिरी पड़ी थी, उसी के ऊपर दरोगा की वर्दी और जूते रखे थे। समझा जा रहा है कि वर्दी उतरवाकर मारपीट से पहले हमलावरों ने उन्हें अपमानित भी किया। घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए हैं, साथ ही घायल दारोगा के इलाज के दिए निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने सिपाही के परिजनों को 50 लाख मुआवजे का ऐलान किया है, साथ ही आश्रित को सरकारी नौकरी देने के निर्देश दिए हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। डीएम साहब, कासगंज में शुरपुरा थाने में एक बड़ी घटना हुई है, जिसमें दो पुलिसकर्मियों को सुना जा रहा है कि बदमाशों ने बंधक बना के पिटाई भी की है, जिसमें एक जो कांस्टेबल उनकी डेथ भी बताई जा रही है, जो दरोगा जी वो गंभीर रूप से घायल हैं। तो पूरा क्या मामला, क्या सूचना है इसमें? सही, आज शाम को शिरपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपये और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना का की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम सभी लोग यहां आप देख रहे हैं मौके पर हैं और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी के विरुद्ध क्या कार्रवाई अभी पुलिस अमल में चला रही है? आप स्वयं जान रहे हैं, पुलिस द्वारा टीमें गठित की गई हैं और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।